हेलो फ्रेंड्स, एम्स रायपुर वन ऑफ द प्रीमियर एम्स इफ यू टॉक अबाउट एम्स इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर एमबीबीएस। एम्स रायपुर के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कंप्लीट डिटेल। 2020 में किस रैंक पर एडमिशन हुआ लास्ट कैटेगरी वाइज, सारी कैटेगरीज के लिए ओबीसी एससी एसटी जनरल पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी में भी जो कैटेगरी थी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर ओबीसी पीडब्ल्यूडी, इन सब कैटेगरीज में ऑल इंडिया रैंकिंग के थ्रू किस रैंक पर एडमिशन हुआ, मिनिमम कितने मार्क्स रिक्वायर्ड थे एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ में एडमिशन के लिए 2020 के नीट के एग्जामिनेशन हो जाने के बाद, और 2021 में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट 2021 की, आपका सपना है एम्स रायपुर में एडमिशन लेने का एमबीबीएस के लिए, कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, कितना रखना पड़ेगा आपको रैंक एटलीस्ट, उसके बारे में बताएंगे आपको कंप्लीट एनालिसिस छोटे से वीडियो में। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी कमिंग वीडियो। अगर पसंद आता है तो फ्रेंड्स इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि फ्यूचर के अपडेट आपको मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो गाइस, बात कर रहे हैं एम्स रायपुर की, और एम्स रायपुर में जो कट ऑफ था स्लाइटली हाई गया था, अगर दूसरे जो नए एम्स है उनसे हम कंपेयर करें तो एम्स रायपुर में हाई कट ऑफ किया और मार्क्स भी ज़्यादा रिक्वायर्ड थे सारे कैटेगरीज के लिए। पहले हम आपसे रैंक का डिस्कशन करेंगे कि ऑल इंडिया रैंक कितनी रिक्वायर्ड थी डिफरेंट कैटेगरी वाइज, और उसके बाद जो मार्क्स है उस रैंक पर वो कितना रिक्वायर्ड था। अभी ये जो देख रहे हैं ये रैंक की लिस्ट है, जो लास्ट अलॉटेड रैंक है डिफरेंट कैटेगरी वाइज, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, जनरल पीडब्ल्यूडी, एसटी एससी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल के लिए। ये जनरल के लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड था वो हम आपको अभी फर्दर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम रैंक की बात करते हैं ऑल इंडिया रैंकिंग की, तो जनरल में लास्ट अलॉटमेंट हुआ था 1588 रैंक होल्डर को, ये ऑल इंडिया रैंक थी करेक्ट, यानी जो स्टूडेंट्स जिसके 1588 रैंक था AIR, उसने एम्स रायपुर को क्लिक किया था, उसको चॉइस फिल किया था, उसका एडमिशन लास्ट जनरल कैटेगरी में हुआ था एम्स रायपुर में। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो डेटा है ये कहाँ से मिला है, देन फ्रेंड्स एक छोटी सी डिटेल हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये लिस्ट है ऑल इंडिया राउंड वन की काउंसलिंग का, 2020 का नीट का एग्ज़ाम हो जाने के बाद यहाँ पर सारे अलॉटमेंट की लिस्ट है। एक और लिस्ट है, ये है सेकेंड राउंड का, और एक है मॉपअप राउंड का, ये मॉपअप राउंड की लिस्ट है। तीनों फाइल PDF में अवेलेबल है MCC की वेबसाइट पर, यानी MCC की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है, नीट की काउंसलिंग करती है, एम्स की भी काउंसलिंग 2020 में MCC के थ्रू हुई है, और मॉपअप राउंड का डिस्कशन हम यहाँ तक कर रहे हैं इस वीडियो में। यहाँ पर रैंक मेंशन होता है, स्टूडेंट का नाम मेंशन नहीं होता, कॉलेज का नाम मेंशन होता है, कैटेगरी अलॉटेड होती है, और कैंडिडेट की जो कैटेगरी वो मेंशन होता है, और ऑल इंडिया रैंकिंग किस इंस्टीट्यूट में किस रैंक पर अलॉटमेंट हुआ करेक्ट। यहाँ से डेटा को फ्रेंड शॉर्टलिस्ट किया जाता है, लास्ट रैंक होल्डर देखा जाता है कि डिफरेंट कैटेगरी वाइज किसी भी कॉलेज में वो किस रैंक पर एडमिशन हुआ था। इस डेटा को बहुत ही मेहनत के साथ मेडिका विंग की टीम शॉर्टलिस्ट करती है, उसके बाद इस रैंक को हम लोग जो स्टेट की मेरिट लिस्ट होती है उसे मैच करते हैं, मैच करने के बाद जो मार्क्स आते हैं वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं ओके। सो जो डेटा है वो ऑथेंटिक MCC की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर आर्चीव सेक्शन में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, अगर बात करें ओबीसी पीडब्ल्यूडी की, एम्स रायपुर में रैंक रिक्वायर्ड था 434,426, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए यह था 358,612, जनरल पीडब्ल्यूडी 250,645, एसटी पीडब्ल्यूडी 38,976, एससी के लिए ये रिक्वायर्ड था 21,696, एसटी के लिए 38,976, ईडब्ल्यूएस के लिए यह था 3,611, ओबीसी के लिए 3,331, और जनरल के लिए रिक्वायर्ड था 1588 रैंक ऑल इंडिया रैंकिंग ओके। सो अगर इन पर हम मार्क्स की बात करें कि इस रैंक पर मार्क्स क्या था स्टूडेंट के, देन जनरल के लिए था 666, ओबीसी के लिए था 652, ईडब्ल्यूएस 651, एससी के लिए 596, एसटी के लिए 565, जनरल पीडब्ल्यूडी 348, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी 280, और ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए ये रिक्वायर था 240 मार्क्स, यानी ये नीट के मार्क्स हैं लास्ट अलॉटेड कैंडिडेट के, और ये रिजल्ट गाइज है लास्ट अलॉटमेंट यानी मॉपअप तक करेक्ट। एस्टे वैकेंसी का जो अलॉटमेंट था उसको इसमें कैलकुलेट नहीं किया गया है, एस्टे वैकेंसी सिर्फ एक या दो सीट थी, अगर आप उसको मान के चल रहे हैं कि नहीं मुझे एस्टे वैकेंसी तक कोई कॉलेज मिलेगा तो फिर उसके बारे में आप भूल जाइए। अगर आप एम्स रायपुर को टारगेट कर रहे हैं तो फिर आपको फर्स्ट सेकेंड या फिर मॉपअप तक ही अगर मिल सके तो उसके लिए ही टारगेट करना है ओके। सो अगर एम्स रायपुर आप टारगेट कर रहे हैं 2021 नीट का एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं तो जो ये रैंक है ये रैंक फ्रेंड्स आपको रखना पड़ेगा 2021 में। मार्क्स अगर इतना लेके आते हैं, इससे बेहतर लेके आते हैं, नो डाउट कि आपका एडमिशन एम्स रायपुर में हो जाएगा। कंप्लीट डिटेल थी एम्स रायपुर के बारे में, अगली वीडियो में फ्रेंड्स
एम्स देवघर, एम्स तेलंगाना, बिलासपुर और जोधपुर, इन सब के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मेडिकल विंग। सो फ्रेंड, आई वाज दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू शेयर दिस कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू नेवर मिस एन इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग नीट 2020 एंड 2021। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल विंग। थैंक्स अ लॉट।